आज सीपीआईएम पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी से प्रेस मीट हम करे हैं कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कर्नाटक में इलेक्शन का दौर है, ये 5 साल कर्नाटक के लोग कैसा रहना, ये उनका क्या बोलते हैं आप माथे का जो लिखे सो है बोलते ना, तो वो समय है। ऐसा निर्णायक समय में सीपीआईएम पार्टी हमेशा ऐसा अच्छा भूमिका निभाए है कि हमारे कर्नाटक का बहुत बड़ा परंपरा है सवाल परंपरा। हमारे पार्टी सवाल परंपरा के तरफ है, हमारे पार्टी गरीब लोगों के तरफ है, हमारे पार्टी अल्पसंख्यक दलित दमनित लोगों के पक्षपात में हमारे पार्टी हमेशा काम किया है। हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, हम राजी रहित अनकॉम्प्रोमाइज फाइट किया है और हमने आग्रह करे है कि जब सत्ता में बैठे सो सरकार को हमने कहा है कि लोगों का ये मुसीबतें आप लाए सो है आप हल करना। अब तो इलेक्शन आ गया, सीपीएम पार्टी इलेक्शन भी लड़ती है, इलेक्शन लड़ना, चुन के आने के बाद अंदर भी लड़ना। हमारे लड़ाई दो तरफ है कि दूसरा पार्टी का लड़ाई रहता कि उनका स्वार्थ का रहता, दूसरे पार्टी का लड़ाई, हमारे पार्टी का लड़ाई क्या रहता, हम चुन के आए तो भी लड़ाई रहता, नहीं आए तो भी लड़ाई रहता। क्यों? क्योंकि हमारे अंतिम एम है, हमारे धोरणा है पार्टी का कि भारत देश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ग वर्ण लिंग जाति का भेदभाव निकाल कर सभी लोग इक्वालिटी में रहना, समानता के इस देश में उन्हें जिंदगी करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। मगर एक कॉन्स्टिट्यूशन निकाल कर मनुस्मृति ला रहे हैं ये डबल इंजन सरकार, डबल डेंजर सरकार। हम उसका कड़ी विरोध करते हैं कि कर्नाटक में अब तक हमने बाहर भी लड़ाई करे है, चुनाव आया हम कंटेस्ट कर रहे हैं। जब लोग हमारे ऊपर जिम्मेदारी देते हैं तब हम काम अच्छे करने वाले हैं। कि हमारे पार्टी का कैंडिडेट है कॉमरेड पांडुरंग मावीनकर, उन्होंने जिला समिति मेंबर है, किसान एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन का लीडर है और स्टूडेंट रहे, जब से स्टूडेंट यूनियन में भी उन्होंने काम कर रहे हैं और उन्होंने आलंद तालुका पार्टी का सेक्रेटरी है, उन्होंने हमारे सीपीएम पार्टी का अभ्यर्थी है और पूरा सीपीएम पार्टी हमारे पूरा हिम्मत लगाकर हमने स्ट्रगल कर रहे हैं। हम चुन के आए तो कैसा काम करते हैं हमने बताए हैं। अब तक हम करो काम कमो करो काम बोलते हैं, हम कैसे काम करते हैं? अगर हम चुन के आए तो मनरेगा है, हम उसमें हम लाए सो है ये यूपीए वन गवर्नमेंट में, उनको बाहर से हम बेंबल दिया मगर हमने कंडीशन करे कि लोगों को उद्योग मिलना, एम्प्लॉयमेंट मिलना, वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हमने सिटी में लाने के लिए डेफिनेटली हम काम करते हैं। 200 दिन हम करते हैं और 700 रुपया हम करते हैं और सेकुलरिज्म हमने यहाँ कायम रखते हैं और जो सेकुलरिज्म के खिलाफ रहते हैं उनका शिक्षा के लिए हम उनके खिलाफ हम लड़ते हैं, कम्युनलिज्म के खिलाफ हम लड़ते हैं। पीने का पानी भी लोगों को नहीं दे रहे हैं, L&T उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है और हर गांव-गांव में JJM के नाम पर लोगों के पैसा उन्होंने ले रहे हैं और काम नहीं किया है। पानी भी अगर पीना है तो पैसा देकर पीना, ऐसा मुसीबत लाए है एक गवर्नमेंट। हम है ना चुन के आए तो लोग पानी पैसे से खरीद के नहीं, उन्हें फुकट में पानी पीना और हमारे किसान लोग हैं उनके हाथ में खेत रहना, हमारे सभी लोग हैं अच्छे ज़िंदगी जीना, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना, ये हम काम करने वाले हैं। इसीलिए हमने लोगों को हम विनंती कर रहे हैं सीपीएम पार्टी को आप चुन के लाओ कि एग्जांपल पूरा दुनिया के सामने है। केरला में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सत्ता नहीं कहते, हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते, आडलित कहते हम, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है। त्रिपुरा में भी हम काम कर रहे हैं, लोगों को मालूम है कि पूरा दुनिया उनको सम्मान करे है, कोविड हम कैसे निभाए है, हमारे मिनिस्टरों को प्रशस्ति मिला है, हमारे मिनिस्टरों को सम्मान करे है लोग, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का आखिर सांस तक हम वर्किंग क्लास के साथ रह के काम करने वाले सीपीएम पार्टी है। कि ऐसा सीपीएम पार्टी गुलबर्गा ग्रामीण क्षेत्र में भी हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पहला मारुति मानपड़े कॉन्टेस्ट करते थे, हमारे पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, अब हमारे कॉमरेड पांडुरंग मावीनकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पार्टी चुन के आने के लिए हम काम कर रहे हैं और लोगों को विनती करते हैं कि सीपीएम पार्टी को वोट दे दो, दराती हथौड़ा सितार को वोट दे दो और लोगों का काम करने के लिए एक आदेश देकर असेंबली भेजो। ये हमने आज प्रेस मीट कर रहे हैं और बागेपल्ली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम केआरपुरम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और KGF कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, गुलबर्गा 4 हो गया, अभी 2 हमने टोटल 6 हमने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कर्नाटक में।